मैंने 60 बंदा रखा हुआ है, मुझे जान से मार देने की धमकियां हैं। 60 बंदा, आम बंदा गरीब तो दो गनमैन भी नहीं रख सकता। सर अभी आप आए हैं तो 60 बंदे आपके साथ हैं? भाई यार कराची से मैं आया हूँ तो यहाँ 7-8 बंदे मेरे साथ हैं। फिर भी माफी चाहने को जुगत हो जाते। हाँ जी बंदा देखी है जिन्होंने तुम इशारा करना कि लाजा कराची नाल दे। नहीं मगर आप कराची किसी काम से गए हुए थे? वरना आप कराची मेरी फैमिली रहती है, बिजनेस कराची है। अच्छा इसलिए वहां से आए। वरना मेरे को रहीमियार खान से आप सीधा आते? रहीमियार खान से तो बाय रोड आ जाते। हां वही ना, तो फिर वो 60 के 60 साथ आते। हां फिर 60 के साथ नहीं, फिर तेने भी जांदे नाल। देखो जरा हमारे मसले हल नहीं हुए तो फिर हम आप लोगों को ही नंबर देंगे। आपको दावत देनी चाहिए इनको। मैं सारे अखराजात बर्दाश्त करता हूँ। ऐसी टीम हमारे पास तो देखें, टेंशन के अलावा वहाँ लोगों के पास कुछ नहीं है। इतनी तकलीफ में ऐसा अच्छा प्रोग्राम, ऐसे हंसाने वाले लोग आएंगे तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? गल्लां दसन दे ओ सी नहीं जांदे भावें डबल तो पैसे नहीं, पहले हमारी जान बाद में मेहमान। हुण ते घर असीं जांदे ना, घर वाले दस के जाने हम इंग्लैंड जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। जदों तुहाडे कोल जाणा तुसीं घर वाले जाणा, असीं लुट्टे जा रहे हैं। मगर क्यों भाई, जिन्ना तुसीं डरा दिता है। हां जितना डरा दिया। मेरी तो फुफो रहिंदी, मैं ते उहनूं भी नहीं उहनूं मिलन जाणा। आपको कभी चक्कर लगे? नहीं। अच्छा वैसे मुझे एक चीज है, मुझे वैसे आपको मुखातिब करते हुए आपको कोई होता है ऐसा कि पहले राणा कहते हो? हाँ हाँ काफी लोग बोलते हैं। अच्छा राणा भी कहते हैं आप? आपको देख के कभी किसी ने गाना गाया मुझको राणा जी माफ करे ना गलती मारे? यू आर नॉट ट्रेंड इन फैशन, यू स्टडीड बिजनेस। यस but then you did everything other than business. aapne fashion bhi padha, aapne fashion karna shuru kar diya, fir aapne ye fitness trainer bhi ban gayi. हाँ तो ये आपको कहाँ से शौक हुआ? एक्चुअली मेरे फादर इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड माय मदर इज एन आर्टिस्ट, तो वो दोनों का ही जेनेटिकली इतना वो आ गया था मेरे अंदर। एक मेरी साइड एस्थेटिक वाली थी और एक साइड मेरी हमेशा वो रिग्रेस ट्रेनिंग स्पोर्ट्स और इन चीज़ों में थी। सो बचपन से ही हमेशा पुश था टूवर्ड्स स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा। स्विमिंग की तरफ फैमिली ने बहुत किया सपोर्ट के नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे स्विमर बने। सबका ड्रीम था कि ओलंपिक लेवल तक जाएं, बट नेशनल स्विमर तक मैं गई अंडर 13 एंड देन अनफॉर्चुनेटली एक डिसीजन लेना पड़ता उस टाइम पे कि आपने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है या आपने स्पोर्ट्स वाली फील्ड में ही जाना है। तो उस वक्त फिर आए जो स्टडीज़ एंड बस फिर स्विमिंग के बाद वो अंदर था एक स्पोर्ट्स रिलेटेड एक चीज़ थी कि मैंने कुछ इससे रिलेटेड करना है फिज़िकल एक्टिविटी के साथ। एंड BBA जब मैं कर रही थी तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस एंड एक जिम था जो सर्टिफाई कर रहा था ट्रेनर्स, सो आई ज्वाइन दैट एंड सिंस लाइक 7 years आई एम अ ट्रेनर। फ्रीलांस पे पहले शुरू किया, कुछ कॉर्पोरेट कर रही थी साथ साथ जॉब्स भी, तो बट फिर मैं फुल टाइम इस तरफ आ गई थी। लेकिन लोग मुझे वैसे भाई ये बोलते हैं कभी कि फिट होने के लिए स्ट्रेचिंग, पता नहीं क्या लफ्ज है, क्या क्या वो क्या लफ्ज है अंग्रेजी का, क्या स्ट्रेचिंग? वो लोग मुझे नहीं हो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग वही वो क्या है वो मुझे वो सिखा देंगे। ठीक है डन। क्या कैसे करते हैं कैसे? स्ट्रेचिंग तो योगा के लिए होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए होती है। वो कैसे करते हैं थोड़ा सा बता दें, काफी दोस्तों ने मुझे कहा कि आप फिट रहना चाहते हैं तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा होती है। योगा फ्लेक्सिबल आपको करने के लिए होती है, वेट लॉस के लिए। मगर आप योगा करना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग करना चाहते? स्ट्रेचिंग करना चाहते हो? मंकी बार बना ले उसके साथ लटक जाए। ये अब आप इनको प्लीज बताइए कि मंकी बार क्या होता है? बांदर नहीं लमंगे जेड़े इन्हां दे सानू पता है।